भारतीय रेल में ट्रेन कैरिंग पैसेंजर्स यानी कोचिंग ट्रेन्स के पावर रिवर्सल एक अहम कार्य होता है जो कि हजारों स्टेशन पर रोज किए जाते हैं। पावर रिवर्सल के दौरान स्टाफ बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हैं और सावधानियां बरतते हैं। आइए आज हम देखते हैं पावर रिवर्सल ऑफ ट्रेन कैरिंग पैसेंजर्स। कोई भी स्टेशन में जब ट्रेन कैरिंग पैसेंजर यानी कोचिंग ट्रेन का इंजन डिटैचिंग और अटैचिंग होता हो तो सबसे पहले लोको पायलट इनकमिंग गार्ड की ध्यान आकर्षित करने के लिए 3 शॉर्ट विशिल बजाएं। अब इनकमिंग गार्ड ग्रीन हैंड सिग्नल एक्सचेंज करें और अपनी हैंड ब्रेक अप्लाई करें। दूसरे छोर की SLR को वहां के प्रचलित प्रैक्टिस के हिसाब से CNW स्टाफ या स्टेशन स्टाफ या फिर गार्ड खोल दें। फिर आउटगोइंग गार्ड उसी SLR का हैंड ब्रेक को अप्लाई करें। अब इनकमिंग लोको पायलट अपनी SA9 अप्लाई करें। फिर A9 को अप्लाई करके इमरजेंसी पोजीशन में लाएं। अब इनकमिंग गार्ड BP प्रेशर का कंप्लीट एडजस्ट होना सुनिश्चित करने के बाद SLR को स्टेशन स्टाफ को हैंडओवर करें। अब इनकमिंग गार्ड दूसरे छोर की SLR की तरफ जाएं ताकि आउटगोइंग गार्ड को सभी डॉक्यूमेंट हैंडओवर कर सके। अब स्टेशन का समथिंग स्टाफ दोनों तरफ इनकमिंग SLR या कोई और कोच की आउटर मोस्ट चक्के में दो स्कीड या वेड्ज लगाएं। और इंजन डिटैच करने से पहले स्टाफ लोको पायलट से इजाजत ले। अब इंजन डिटैच करने के लिए वहां प्रचलित प्रैक्टिस के हिसाब से CNW स्टाफ या स्टेशन का सेंटिंग स्टाफ पहले इंजन साइड का FP और BP का एंगल कॉक बंद करें, फिर कोच साइड का FP और BP का एंगल कॉक बंद करें, फिर दोनों ही होस्ट को अनकपल करके हैंगर में लगा दें। उसके बाद BP का एंगल कॉक खोल दें ताकि बाकी बचा प्रेशर और मॉइस्चर डिस्ट्रॉय होके ब्रेक का ग्रिपिंग मजबूत हो जाए। अब स्टेशन का सेंटिंग स्टाफ CBC या स्क्रू कपलिंग को ओपन करके इंजन को डिटैच होने में मदद करें। फिर इनकमिंग लोको पायलट संटिंग करके इंजन को दूसरे छोर में ले जाएं और
एसएलआर या कोच से 20 मीटर की दूरी पर खड़ा करें। अब वहां प्रचलित प्रैक्टिस के हिसाब से CNW या स्टेशन स्टाफ गाड़ी का CBC या स्क्रू कपलिंग की मदद से इंजन अटैच करें। इनकमिंग लोको पायलट, थोड़ा सा इंचिंग करके कपलिंग को चेक करें। आउटगोइंग ALP अटैचिंग प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक निरीक्षण तथा चेक करके अपने आप को सेटिस्फाई करें। कपलिंग होने के बाद इनकमिंग लोको पायलट अपने इंजन की SA9 को अप्लाई करें। CNW स्टाफ या स्टेशन का सेंटिंग स्टाफ PP और FP दोनों होस को कपल करें और साथ ही इनकमिंग लोको पायलट आउटगोइंग लोको पायलट को इंजन का चार्ज हैंडओवर करें। अब स्टाफ पहले व्हीकल साइड का फिर इंजन साइड का FP एंगल को खोल दें और साथ ही इंजन में 6 kg तथा ब्रेक में 5.8 kg पर CM² एयर प्रेशर का आना लोको पायलट से सुनिश्चित करें। फिर स्टाफ पहले व्हीकल साइड का फिर इंजन साइड का BP एंगल कॉक खोल दें और साथ ही इंजन में 5 kg तथा ब्रेक में 4.8 kg पर CM² एयर प्रेशर का आना लोको पायलट से सुनिश्चित करें। अब आउटगोइंग लोको पायलट और आउटगोइंग गार्ड कंटिन्यूटी टेस्ट कर लें। फिर कंटिन्यूटी टेस्ट का सफल परीक्षण के बाद ही आउटगोइंग लोको पायलट और गार्ड दोनों तरफ से स्टाफ को इसकी सूचना दें। अब स्टेशन स्टाफ दोनों तरफ की स्कीड निकाल दें। अब वहां प्रचलित प्रैक्टिस के अनुसार CNW स्टाफ या स्टेशन स्टाफ सभी कोचेस की DV रिलीज करें। फिर गार्ड अपने छोर की हैंड ब्रेक को अनलॉक करें और स्टेशन स्टाफ दूसरी छोर की हैंड ब्रेक को अनलॉक करें। अब स्टाफ फ्रंट SLR को फिर से लॉक करें। ध्यान दें, आउटगोइंग लोको पायलट ट्रेन को स्टार्ट करने से पहले ही SA9 को रिलीज करें, वरना ना करें। जहां क्रू और गार्ड चेंज होते हैं, लेकिन आउटगोइंग एंड में सेपरेट लोको अटैच होता है, वहां सबसे पहले आउटगोइंग एंड में सेपरेट लोको अटैच होना है और पूरा प्रेशर आके कंटिन्यूटी टेस्ट सक्सेसफुल होने के बाद ही इनकमिंग इंजन को अनकपल करें। और वेसेट स्टेशन में जहां पर CNW स्टाफ नहीं होता और जहां सेम क्रू सेम गार्ड के साथ सेम लोको का रिवर्सल होता है, वहां CNW स्टाफ का काम स्टेशन स्टाफ को करना है और एक तरफ की SLR में स्टेशन स्टाफ हैंड ब्रेक अप्लाई करें और रिलीज करें ताकि दूसरे छोर की हैंड ब्रेक को गार्ड अप्लाई और रिलीज कर सके और इनकमिंग तथा आउटगोइंग लोको पायलट की सारे काम सेम क्रू को करना है। जहां सेंटर लोको पायलट का प्रावधान है, वहां इनकमिंग लोको पायलट अपनी SA9 और A9 को अप्लाई करके इनकमिंग गार्ड से BP प्रेशर का कंप्लीट एडजस्ट होना सुनिश्चित करने के बाद सेंटर लोको पायलट को इंजन हैंडओवर करें। अब
संटर लोको पायलट पावर रिवर्स करके ईओटी होने से पहले 20 मीटर पर गाड़ी खड़ा करके लोको पायलट को इस फिल्म में पहले से दिखाया गया बाकी सारे प्रक्रिया करने के लिए इंजन हैंडओवर करें। और इस संदर्भ में 19 अप्रैल 2018 को ईस्ट कोस्ट रेलवे द्वारा जारी किया गया जेपीओ नंबर 14 को फॉलो करें। विशेष सूचना, ये शॉर्ट एजुकेशनल फिल्म बदलते तकनीकी विषय की विशालता, समय की पाबंदी और ईस्ट कोस्ट रेलवे में प्रचलित G&SR मैनुअल्स SRR ZRR तथा सर्कुलर्स आदि को ध्यान में रखते हुए एक एजुकेशनल सप्लीमेंट के तौर पे बनाया गया है। अगर कहीं बताए गए विषयों के संदर्भ में कुछ अलग प्रावधान है या कुछ अलग प्रक्रिया अपनाया जाता है तो उसे जरूर फॉलो करें। इस फिल्म की लेटेस्ट एमेंडेड वर्जन के लिए हमें संपर्क करें। इसके अतिरिक्त आप अपना कीमती सुझाव भी हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।